सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बच्चों, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ फिग, अंजीर की खेती। तो अंजीर को हम किस नाम से जानते हैं? तो फॉरबिडन फ्रूट के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? फाइकस कैरिका। फाइकस कैरिका इसका वानस्पतिक नाम होता है। और मोरेसिस की फैमिली होती है, यानी कुल। गुणसूत्र संख्या 2n=26। ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान वेस्ट एशिया और इराक। टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार, इस फल का प्रकार क्या होता है? तो साइकोनस होता है। एडिबल पार्ट ऑफ फाइकस दैट इज नोन एज फ्लेसी एरिल। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फिग लेस देन 45 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट, प्रोपोगेशन इन फिग आर नोन एज हार्डवुड कटिंग। हार्डवुड कटिंग मेथड से हम प्रोपोगेशन करते हैं। कैप्रिफिकेशन, व्हाट इज कैप्रिफिकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पहले हम जानते हैं इसमें किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम से इसमें परागण होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी लिख देते हैं। एंड नाउ अब हम जानते हैं कैप्रिफिकेशन क्या होती है। कैप्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, फिग में पॉलिनेशन होने की प्रक्रिया को हम कैप्रिफिकेशन कहते हैं। एंड एक्टिव मटेरियल ऑफ इन फिग दैट इज नोन एज फिशिन। फिशिन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अंजीर में पाया जाता है। और इसको हम कैसे पहचानते हैं कि हाँ ये फुल मतलब मैच्योर हो चुका है, या मैच्योरिटी स्टेज इसकी क्या है? सडनली फ्रूट साइज आर लार्ज, अचानक फल का बढ़ जाना, उसके फल का बढ़ जाना अचानक। आर ड्राई ऑफ लैटेक्स, लैटेक्स का सूख जाना, तब हम जान जाते हैं इसको कि हाँ आपका अंजीर कंप्लीट हो गया। इट इज यूज्ड इन स्किन डिजीज, त्वचा रोग में इसकी सहायता होती है। अब नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वैरायटीज। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं वैरायटीज ऑफ फिग, अंजीर की प्रजातियां। तो अंजीर की सबसे पहली प्रजाति है सैमसन। सैमसन प्रजाति इसकी पहली प्रजाति है। और नाउ नेक्स्ट स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड इसकी दूसरी प्रजाति है। और नेक्स्ट ब्राले, ब्राउन ले इसकी तीसरी प्रजाति है। नेक्स्ट प्रजाति है इसकी पूना। और नेक्स्ट प्रजाति है एक्सल। और नेक्स्ट प्रजाति है इसकी ब्राउन डॉफाइज। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इसकी जो वेराइटीज है, सैन पेड्रो इसकी लास्ट वेराइटीज है। और नाउ नेक्स्ट एक हेडिंग डाल दीजिए, दो इसकी डिजीज है। डिजीज, पहली डिजीज है सनबर्न, इट इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फिग, दे आर ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रूनिंग। दिस डिजीज इज क्रिएटेड बाय एक्सेस ऑफ प्रूनिंग। एंड फ्रूट स्प्लिटिंग इट इज ऑल्सो ए फिजिकल डिसऑर्डर। दे आर बिकॉज ऑफ सडन एटमॉस्फेरिक चेंज, अचानक वायुमंडल में परिवर्तन हो जाना, वातावरण में परिवर्तन हो जाना। एंड सॉइल मॉइस्चर, बेस्ड ऑन सॉइल मॉइस्चर योर फिगर ऑल्सो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।